देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बोला जाता है कि बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। हम लोग बढ़िया क्वालिटी बना के उसका प्रीमियम चार्ज नहीं करते कंज्यूमर से कि वो मास कंज्यूमर के रीच के बाहर हो जाए। हमारा यही टारगेट है कि हम बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस हर कंज्यूमर को अवेलेबल कराए कि दुनिया इंडिया की जो आवाम है, जो 130 करोड़ लोग हैं, उस हर घर में लक्स कोजी के बनियान पहुंच सके। नमस्कार, मैं ऋतुपर्णा सेनगुप्त बोलछी। 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के जानाई शारदियार अनेक 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 शुभेच्छा और अभिनंदन। खूब भालो काटुक पुजो, खूब भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन। लक्स इंडस्ट्रीज एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। उन्होंने हाल ही में सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साकेत टोडी। साकेत जी, वेलकम टू अवर चैनल। सो मच, थैंक यू। साकेत जी, पहले तो ये जानना चाहते हैं सौरभ गांगुली को अपने ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है तो इसके साथ आपकी कंपनी की रणनीति कैसी होगी? देखिए, हमारी रणनीति अभी यही है कि हम लोग को इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल ब्रांड लक्स कोजी को मेंस इनरवेयर कैटेगरी में बनना है, जो उस दौड़ में आज के दिन सबसे आगे है और हमें इतना आगे निकल जाना है कि दूसरे और तीसरे नंबर इतने पीछे हो जाए कि एक नंबर लक्स कोजी जो एक मेंस इनरवेयर का सिनोनिम वर्ड बन जाए पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में। इसमें स्पेशली अभी बंगाल में दुर्गा पूजा का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, तो इस फेस्टिव सीज़न में आप भी जानते हैं कि बहुत बम्पर सेल होता है और ये एकदम सही समय है दादा को लक्स कोजी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च करने का। जैसे अभी हम लोग ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि लक्स कोजी और दादा में कितनी सिमिलैरिटीज़ है कि दादा भी बाहर से स्ट्रॉन्ग है पर अंदर दिल से एकदम सॉफ्ट है, वैसे ही लक्स कोजी एक ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग वेस्ट है पर अंदर से जब कंज्यूमर उसे पहनता है तो एकदम सॉफ्ट स्किन को टच करता है। तो ये कोलैबोरेशन सबसे परफेक्ट कोलैबोरेशन है, एक दादा ऑफ द कंट्री, प्रिंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट और सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग मेंस इनरवियर ब्रांड लक्स कोजी का। फिलहाल होजरी मार्केट का क्या सिचुएशन है, क्या मतलब इनपुट आप देना चाहते हैं? होजरी मार्केट का सिचुएशन आज के दिन काफ़ी अच्छा ही है। अगर हम स्पेशली बंगाल का स्टेट देखें, फेस्टिव सीजन आ रही है, सेल बम्पर होके रखा हुआ है और जिस हिसाब से कंज्यूमर का डिमांड हमारे प्रोडक्ट के लिए है, कंज्यूमर का रिस्पांस लक्स कोजी के लिए है, वो देखते हुए हमें काफ़ी उत्साह फील होता है कि इसी तरीके से सबका विश्वास और डिमांड लक्स कोजी के लिए बना रहे और हम अव्वल नंबर पोजिशन में टिके रहें। एक और सवाल आता है कि ग्राहक आपके उत्पाद को क्यों खरीदे? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बोला जाता है कि बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। हम लोग बढ़िया क्वालिटी बना के उसका प्रीमियम चार्ज नहीं करते कंज्यूमर से कि वो मास कंज्यूमर के रीच के बाहर हो जाए। हमारा यही टारगेट है कि हम बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस हर कंज्यूमर को अवेलेबल कराए कि दुनिया इंडिया की जो आवाम है, जो 130 करोड़ लोग हैं, उस हर घर में लक्स कोजी के बनियान पहुंच सके। और व्यापार की अगर बात करें, आपने खुलासा किया एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए व्यापार का विस्तार के बारे में और कितना व्यापार हो रहा है? लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पिछले साल की टर्नओवर 2300 करोड़ के लगभग थी, जिसमें हमारा सबसे इंजन ब्रांड या पावर ब्रांड जो कहते हैं वो लक्स कोजी रहा है, जो पिछले साल करीबन 700 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस किया हुआ है। तो हमारा टारगेट अभी अगले कुछ सालों में, 2 से 3 साल में यही है कि हमें इस 700 करोड़ को कैसे 1000 करोड़ लेके जाना है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे दादा है, इनके मदद से, इनके एंडोर्समेंट से हमें पूरा विश्वास है और लक्स कोजी की क्वालिटी और ब्रांड पॉपुलैरिटी से इतना विश्वास है कि हर कंज्यूमर हर घर पर लक्स कोजी पहुँच पाए। और इस सर के बारे में आपने बताया, आगे क्या सोचे हैं? मतलब दादा को तो आपने साइन कर ही लिया है। जी, दादा तो है ही हमारे साथ और हमेशा ही रहेंगे। जैसे दादा ने कहा कि ये एसोसिएशन खाली एक ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं है, दादा के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता पिछले 15 से 20 वर्षों से है, चाहे ये कोलैबोरेशन आगे रहे या नहीं रहे पर पारिवारिक रिश्ता जिंदगी भर दादा के साथ रहेगा। वहीं मौके पर उपस्थित सौरभ गांगुली ने कहा कि लक्स के साथ मेरा वाणिज्यिक संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। I told Mr. Todi that, you know, for me, this is not a brand association. For me, it is being a part of his family.
We, my brother, my family have known Tony ji and his family for the last 15-20 years. And even when I was captain of India, Tony ji would speak to me and say that be a part of us. I did not endorse the brand at that stage because somehow it did not happen. But my association with them goes since then. Since then, in every other aspect, being a part of their family, being a part of their family gatherings, their ups and downs, their business success, being a part of everything. So for me, this association and this brand endorsement is just an extension of all what we have shared for the last 20 years. I've always told him and I've always said that, you know, I don't look at this as just turning up, doing my commercials and just move on to some other work next day. I've always believed and I've always felt that, you know, I'm involved with them personally. I'm involved with them as a part of a family member, and I keep asking him every time, even when I was not associated with them, that how is the brand doing? Hope you're getting bigger and bigger. And as Saket said today, the brand has touched a turnover of 2300 crores. For me, success of a brand does not just depend on how much money you make. It's not just related to the turnover. Yes, it's an important part of it, but the success of a brand depends on how people accept it. And I've seen it over a period of years that not just this current Lux Cozi brand, but every other brand of theirs, every other segment of the industry which they cater to in terms of their business, have been accepted by people all around the country. सौरभ ने मंशा जताई है कि ब्रांड के प्रचार के लिए वे दुनिया के किसी भी प्रांत में जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। टोडी जी, as I said, I've told you many a times before, for me it's just not a brand endorsement. Whether I stay, whether I don't stay, my association with you will always remain. My good wishes with you will always remain, and all my support to take this brand wherever you want to take it. Whether to Africa, whether to Europe, whether to India, whether to the remotest parts of the state of West Bengal, I will always be a part of it. Bureau Report 24/7, Taza Samachar.